अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम चैप्टर नंबर टू स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिक्लेचर ऑफ एल्कीस एल्किन्स आर दी हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इसमें जो फर्स्ट फाइव बेसिक रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड अब वो वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो चेन सेलेक्ट करने के बाद इसकी नंबरिंग उस साइड से प्रेफर की जाएगी जिस साइड से डबल बॉन्ड नियर मोस्ट होगा नंबरिंग के साथ ही पोजीशन ऑफ़ डबल बॉन्ड भी मेंशन हो जाएगी और पोजीशन ऑफ सब्सिटुनस भी खुद भी खुद बखुद मैंशन हो जाएगी डबल बॉन्ड टू कार्बन्स के दरमियान प्रेजेंट होता है और इसमें जो पहला कार्बन है उसको हम मैंशन करते हैं डबल बॉन्ड की पोजिशन को मैंशन करने के लिए इसके अलावा इसमें एल्केन का सफिक्स एन चेंज कर दिया जाता है सफिक्स इन से क्योंकि ये क्लास ऑफ कंपाउंड एल्किस है या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है फॉर एग्जांपल हमारे पास किवन कंपाउंड जिसमें टू कार्बनस और उनके दरम्यान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है टू कार्बन पहली एल्किन जो है वो ईथेन कहलाती है लेकिन यहाँ पर उसका सफिक्स ए एन ई एन चेंज कर दिया जाएगा सफिक्स ई एन ई इन से इट विल बी ईथीन इंस्टेड ऑफ ईथेन एन अदर एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास थ्री कार्बन चेन है और कार्बन वन और टू के दरम्यान डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है इट विल बी प्रोटीन और वन प्रोटीन दोनों तरीके से इसको रिप्रजेंट किया जा सकता है थ्री कार्बन वाली एल्किन प्रोपेन कहलाती है लेकिन उसका सफिक्स हम यहाँ चेंज कर देंगे इन से इट विल बी प्रोपीन इसी तरह हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है जिसमें फोर कार्बन वाली एल्किन है और इसकी नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नियर मोस्ट है इट विल बी कार्बन वन टू थ्री फोर कार्बन वन और टू के दरम्या डबल बॉन्ड है जिसमें से पहले वाला कार्बन कार्बन वन जो है इसको मैंशन करेंगे डबल बॉन्ड की पोजिशन के लिए सो दिस विल बी वन ब्यूटीन और इसको मॉडिफाइड वे में लिखा जा सकता है ब्यूट वन इन ब्यूट फॉर फोर कार्बन वन फॉर पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड सफिक्स इन जो है वो रिप्रजेंट करता है क्लास ऑफ कंपाउंड एल्किस को ब्यूट वन इन और वन ब्यूटीन इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल जिसमें फोर कार्बन हैं लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अब टू है टू और थ्री के दरम्यान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसमें से कार्बन टू को मेंशन करेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मेंशन करने के लिए सो इट विल बी ब्यूट टू इन ब्यूट फॉर फोर कार्बन टू फॉर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड सबिक्स इन रिप्रेजेंट क्लास ऑफ कंपाउंड एल्कीन ब्यूट टू इन और टू ब्यूटीन इसी तरह एक और एग्जांपल जिसमें हमारे पास फ़ाइव कार्बन एल्कीन है और इसकी नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नियर मोस्ट आएगा पोजीशन टू पे आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव पोजीशन टू पर डबल बॉन्ड आ गया जब इसका नेम मेंशन करेंगे तो इसको भी दोनों तरीके से लिखा जा सकता है टू पेंटीन या फिर मॉडिफाइड वे जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है पेंट टू इन पेंट फॉर फाइव कार्बन टू फॉर पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड सफिक्स इन फॉर क्लास ऑफ कंपाउंड alkene पेंट टू इन एन अदर एग्जाम्पल जिसमें हमारे पास फाइव कार्बन एल्किन है और इसकी नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड नियर मोस्ट आता है और नंबरिंग के साथ ही पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूंट भी मेंशन हो जाएगी यहाँ पर पोजिशन थ्री के ऊपर सब्सिट्युन इथाइल है पोजिशन फोर पर सब्सिट्यून मीथाइल है एल्फाबेटिकली भी इथाइल पहले आता है तो इसकी पोजिशन को हम पहले यहाँ पर मैंशन करेंगे थ्री इथाइल फोर मिथाइल पेंट वन इन पेंट फोर फाइव का पेंट वन इन वन फॉर द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड सफिक्स एन फॉर क्लास ऑफ कंपाउंड एल इन थ्री थाइल वन फोर मिथाइल पेंट वन इन रूल नंबर सिक्स जिसमें हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें का डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा दफ़ा आ जाए इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्का डाइन से या फिर उससे भी ज़्यादा दफ़ा अगर आ जाए थ्री टाइम्स आ जाए तो इसको एल्का ट्राइन से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हमारे पास गिवन कंपाउंड में फाइव कार्बन चेन है जिसमें कार्बन वन और कार्बन थ्री पर डबल बॉन्ड है टू टाइम्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये एल्का डाइन्स कहलाते हैं उनको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है पेंटा वन कॉमा थ्री पोजीशन वन पे डबल बॉन्ड और पोजीशन थ्री पे डबल बॉन्ड और लास्ट में डाई इन जो है वो डबल बॉन्ड चूँकि टू टाइम्स प्रेजेंट है इसलिए हम सब यूज़ करेंगे डाई पेंटा वन थ्री डाई इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल जिसमें फाइव कार्बन चेन है और कार्बन वन पे और कार्बन फोर पे डबल बॉन्ड प्रजेंट है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे पेंटा वन कामा फोर डाइन पेंटा फोर फाइव कार्बन वन और फोर डबल बॉन्ड की पोजीशन और डाइन इसके जो क्लास है क्योंकि डबल बॉन्ड टू टाइम्स प्रेजेंट है डाइन पेंटा वन फोर डाइन इस कंपाउंड में एक और एग्जांपल हमारे पास है जिसमें डबल बॉन्ड थ्री टाइम्स प्रेजेंट है पोजीशन वन पे पोजीशन थ्री पे और पोजीशन फाइव पे सिक्स टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे हेक्सा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिक्स कार्बन चेन है हेक्सा वन कामा थ्री कामा फाइव ये इसकी पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड आ गई और ये थ्री टाइम्स प्रेजेंट है इसलिए ये ट्राइन हेक्सा वन थ्री फाइव ट्राइन सीधा हमारे पास एक और एग्जाम्पल जिसमें फाइव कार्बन एल्कीन है और पोजिशन वन और पोजिशन फोर पर डबल बॉन्ड है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे पेंटा फाइव कार्बन के लिए वन कॉमा फोर पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड वन पे और उसके बाद फोर पे और चूँकि टू टाइम्स प्रेजेंट है इसलिए ये डाइन पेंटा वन फोर डाइन